झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, 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 छोटे राजा जिंदाबाद, 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 छोटे राजा जिंदाबाद, 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 ताहिर अंसारी जिंदाबाद, 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 ताहिर अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपने सुरक्षा से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं मैं यानी जेएमएम के पार्टी में ज्वाइनिंग किए हैं। इसका सबसे जो है मुख्य बात है कि हम इस राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काम से प्रभावित होकर और जो है छोटे राजा जी का जो कार्य शैली है, जो सहनशीलता है, इसका वजह से और सबसे बड़ा यहाँ के विधायक घमंडी विधायक और उनका जो कार्यकर्ता है उड़नता वाला है, मोर्चा वाला है, इसके जो है हम अथी में हो के अपना जो है दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। हम जो है 2006 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग किए थे और 2006 के बाद हम लगभग सरकार में 5 साल इस प्रमंडल धुरकी प्रमंडल का जो किसान मोर्चा का अध्यक्ष रहे, लेकिन हमको जो है रायशुमारी में वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। ये सब कार्यकर्ता का देन है, हमको उसमें अधिकार नहीं दिया गया, इसलिए आज हम भारती में झारखंड मुक्ति मोर्चा में ज्वाइनिंग। मेरा गणेश यादव नाम है, ग्राम प्रकाश पानी खुद, पंचायत खुटिया, ब्लॉक प्रखंड धुरकी। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक नुक्कड़ सभा के माध्यम से खुटिया पंचायत के इस पावन धरती पर एक बैठक जो किया गया, उसमें सबसे बड़ा आज का बैठक का जो है जो उद्देश्य था कि 2006 से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहे और जो है अपना किसी न किसी विभाग का जो है अपना प्रखंड का अध्यक्ष भी रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्टी का कार्यकलाप, यहाँ का स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही जी का कार्यकलाप, उनके कार्यकर्ताओं के कार्यकलाप और दुर्व्यवहार से खीन होकर के आज हमारे गणेश यादव जी अपने सहयोगियों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आस्था व्यक्त करते हुए सदस्यता ग्रहण किए। इस पार्टी में इनका बहुत ही स्वागत है, बहुत ही अभिनंदन है। हम कहना चाहेंगे कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, एक जो है मील के पत्थर साबित हो रहा है और पूरे क्षेत्र से किसी भी दल से टूट करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण करते हुए संकल्प ले रहे हैं कि छोटे राजा को इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जिता कर भेजेंगे और यहाँ का गरीबों, किसानों, मजदूरों का आवाज बन करके विधानसभा में उस समस्या को रखते हुए विकास का एक बहुत बड़ा लकीर खींचेंगे। धन्यवाद।